हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है बनाने में। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, ब्लैंकेट, फ्रॉक, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। ये डिज़ाइन सिर्फ 10 रोज का डिज़ाइन है, आपको ही 10 रो रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 10 + 5 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 10 + 5 + 2। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 10 2 × 10 20 + 5 एक्स्ट्रा स्टिच 25 + 2 एज स्टिच करके टोटल 27 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको एक फंदा ऐसे स्लिप करना है एज स्टिच को। फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागे को आगे करना है, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे करना है। अब 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। अब आपको ये रिपीट करना है बार बार, फिर से रिपीट करना है। धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। फिर धागे को पीछे करना है। अब 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। यहाँ तक मैंने 2 बार रिपीट किया है स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको लास्ट में देखिए 6 फंदा बचेगा, 2 4 6। धागा आगे करना है, 5 फंदा एक्स्ट्रा फंदा को उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 5। 5 फंदा एक्स्ट्रा फंदा है। धागा पीछे, 1 फंदा एज स्टिच लास्ट में राइट साइड पे सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो आपको ये राइट साइड रो 1 जैसे बुनना है। थर्ड रो भी 1 फंदा स्लिप करना है एज स्टिच। फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। अब धागा पीछे। अब 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। एक बार रिपीट हुआ है, फिर से करना है। धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। पीछे धागा। अब 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है। फिर से आपको यहाँ पर 6 फंदा बचेगा लास्ट में। धागा आगे करना है, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे एज स्टिच राइट साइड पे 1 फंदा को सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
फोर्थ रो कंप्लीट कर लिया है, फिफ्थ रो, फिफ्थ रो भी आपको है राइट साइड रो वन जैसे बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है एज स्टिच को, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा पीछे और पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट करना है, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। देखिए यहाँ तक मैंने दो बार रिपीट किया है, फिर आपको लास्ट में छह फंदा बचेगा, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे एज स्टिच, लास्ट में एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, सिक्स रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो कंप्लीट कर लिया है, सेवन रो, सेवन रो राइट साइड, सेवन रो भी आपको रो वन जैसे बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है एज स्टिच, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा पीछे अब पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, स्लिप फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक पांच फंदा उल्टा पांच फंदा सीधा, ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, अब यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, फिर आपको लास्ट में छह फंदा बचेगा, धागा आगे पांच फंदा को उल्टा बुनना है, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा एज स्टिच सीधा। सेवन रो कंप्लीट कर लिया है, एट रो, एट रो रॉन्ग साइड आपको, एट रो में आपको यहाँ पर डिजाइन डालना है बीच में, ये दो ठाम में आपको यहाँ पर, यहाँ पर एक फंदा स्लिप करना है एज स्टिच को, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पांच, अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फंदा निकालना है, इस पांच फंदा में आपको एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर आपको एन ओवर एक फंदा उल्टा पांच बार करना है, एन ओवर एक फंदा उल्टा, ऐसे एन ओवर एक फंदा उल्टा, एक एन ओवर एक फंदा उल्टा, दो एन ओवर एक फंदा उल्टा, तीन एन ओवर एक फंदा उल्टा, चार एन ओवर एक फंदा उल्टा पांच, देखिए सिर्फ पांच बार करना है, एक दो तीन चार पाँच, अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, स्लिप फंदा को छोड़कर पांच फंदा उल्टा, फिर पांच बार एन ओवर एक फंदा उल्टा पांच बार करना है, फिर से रिपीट करना है यहाँ पर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, अब इस पांच फंदा में एन ओवर करना है, एन ओवर एक फंदा उल्टा, एक एन ओवर एक फंदा उल्टा, दो एन ओवर एक फंदा उल्टा, तीन एन ओवर एक फंदा उल्टा, चार एन ओवर एक फंदा उल्टा पांच,
यहाँ तक मैंने दो बार रिपीट किया है स्लिप फंदा को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको लास्ट में देखिए छह फंदा बचेगा, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदा उल्टा, फिर एज स्टिच भी रॉन्ग साइड पे आपको उल्टा बुनना है। एट रो कंप्लीट कर लिया है, नाइन्थ रो। नाइन्थ रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है एज स्टिच, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको इस पांच फंदों को स्लिप करना है, इसे एनवर किया फंदों को ड्रॉप करना है, फिर एक फंदा ऐसे स्लिप करना है, इसे एक फंदा स्लिप, फिर एनवर किया को इससे ड्रॉप करना है, ऐसे एक दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, चार ए ड्रॉप, ए पांच ए ड्रॉप। देखिए पांच फंदा, एक दो तीन चार पांच। अब इस पांच फंदों को आप लेफ्ट नीडल पे लेना है, देखिए सॉरी। अब इस पांच फंदों को आप बैक लूप से एक फंदा बनाकर आपको इस उसी पांच फंदा में आपको पांच फंदा निकालना है। देखिए एक ऐसे एन ओवर करके, दो फिर से तीन ए चार पाँच, देखिए आपको पांच फंदा निकालना है, एक दो तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना, सॉरी फिर इस पांच फंदों को देखिए यहाँ के पांच फंदों को आप ड्रॉप करना है इसे। अब ये रिपीट करना है आपको स्लिप फंदों को छोड़कर, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर आपको इस पांच फंदा में आपको पांच फंदा ही निकालना है। फिर से रिपीट करना है, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको एक फंदा स्लिप ड्रॉप करना है एनवर को, ओके एक फंदा स्लिप ड्रॉप, दो फंदा स्लिप ड्रॉप, तीन फंदा स्लिप ड्रॉप, चार फंदा स्लिप ड्रॉप, पांच फंदा स्लिप ए ड्रॉप। अब इस पांच फंदा को लेफ्ट नीडल पे लेना है। अब इस पांच फंदों को आप पांच फंदा निकालना है, पांच फंदा से इस पांच फंदा से आपको पांच फंदा निकालना है बैक लूप से, एक एन ओवर दो, तीन एन ओवर चार पांच, फिर इसको ड्रॉप करना है। यहाँ तक देखिए दो बार रिपीट हुआ है, फिर आपको लास्ट में छह फंदा बचेगा, धागा आगे करना है, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे एज स्टिच सीधा बुनना है। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया है, टेन रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। पांच फंदा को भी आपको उल्टा बुनना है। टेन रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए टेन रो में आपको इस तरह चलाएगा, आपको वन से टेन रो तक ही रिपीट करना है। फिर से यहाँ से आपको राइट साइड से रो वन से स्टार्ट करना है, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल ले जाना आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।